हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से परचम क्लासेस पे। आज की क्लास में देखो, हम 2024 के मंथली अफेयर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। फाइनेंस और बैंकिंग की दुनिया में जो भी नई चीजें आई हैं, उन सबको हम इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ मिसमैच होने के कारण बीच के वीकली मिस हो गए थे आपके, लेकिन अब उन सभी न्यूज को हम कवर कर रहे हैं, तो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा इस जनवरी मंथ का, इस वीडियो को देखने के, ठीक है। और जो आपका वीकली सेशन है वो भी कॉन्टिन्यू रहेगा। तो क्या है इस महीने में? सबसे पहली न्यूज है, प्रधानमंत्री लॉन्चेस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, अ न्यू रूफटॉप सोलर पावर स्कीम। इसके अंदर क्या है, प्रधानमंत्री ने रूफटॉप यानी कि छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाने की बात कही। शुरुआत के 1 करोड़ घर में हम छतों पे सोलर पैनल लगा देंगे। जो राम मंदिर है अयोध्या का, वहां पर भी यही सोलर पैनल पे ही सारा काम चला है। तो यही कहा, इससे क्या होगा, प्रत्येक घर 300 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी की जनरेट कर पाएगा। यूज भी करो और बचती है तो ग्रिड में उसको बेच भी सकते हो, तो इनकम का भी सहारा बन जाएगा आपका और आपको बिजली भी मिल जाएगी। तो इसको नाम क्या दिया है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। नाम क्या दिया है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, सोलर रूफटॉप जो है वो इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। और सरप्लस इलेक्ट्रिक जनरेशन, जो भी आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करोगे, जो भी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, उसमें वो आपको एडिशनल इनकम भी देगा, मतलब आप उसको ग्रिड में बेच सकोगे, ठीक है। इसके बैकग्राउंड की अगर बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, 2014 से ही भारत सरकार ये काम कर रही है। और सोलर पैनल्स में आप देखोगे, सोलर पैनल की जितनी भी चीजें हैं उन पे सब्सिडीज भी काफी मिली है, ठीक है। तो ये कहा है 2022 तक 40 गीगावाट एनर्जी यानी 40,000 मेगावाट एनर्जी जो है वो हमको सोलर तरीके से यानी सूर्य की एनर्जी से हमको कलेक्ट करनी थी, और हम उस टारगेट को अचीव कर रहे, ठीक है। तो ये योजना थी, ये स्कीम थी जिसके बारे में हमने अभी बात की। अब नेक्स्ट न्यूज क्या है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो दुनिया का लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया है 2023 में, फॉर 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, और इक्विटी सेगमेंट में तीसरे नंबर पर आ गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है पूरी दुनिया में जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। लगातार 5 साल ऐसे हो गए हैं जहां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये आंकड़ा, ये रैंक जो है वो बरकरार रखे हुए है। ये यहां पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड, मतलब जितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड जो होता है इसके ऊपर, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है पूरी दुनिया के अंदर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पहला भारत का एक्सचेंज था जिसने इलेक्ट्रॉनिक और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग शुरू की। ऐसे तो पहला नहीं है ये, ऐसा तो पहला 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रेडिंग करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज भारत का ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही है। मार्केट कैपिटल, इसने 2023 में क्या क्या अचीवमेंट्स ली है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, उसकी बात करते हैं। मार्केट कैप जो है $4 ट्रिलियन से भी एक्सीड हो गया है। स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा इसके ऊपर ट्रेड कर रही है। पहली बार निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 20,000 इंडेक्स लेवल से क्रॉस कर गया है। जो निफ्टी 50 निफ्टी इंडेक्स होता है ना, वो 20,000 इंडेक्स लेवल से क्रॉस कर गया है, मतलब बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट्स है। टर्नओवर भी इसका काफी बढ़ गया है। मार्केट इवोल्यूशंस की बात करें तो इसने T+1 ट्रेडिंग शुरू कर दी है, मतलब जो सेबी की बिल्कुल रिसेंट बातें हैं कि भाई एक ही दिन के अंदर सारी ट्रेडिंग सेटलमेंट हो जानी चाहिए, तो इससे भी एफिशिएंसी इनहेंस हुई है इसकी। इनोवेटिव ऑफरिंग्स की बात करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लॉन्च कर दिया, मतलब कि सोशल पर्पज के लिए स्टॉक्स लगा रहा है। जो कंपनी सोशल पर्पज के लिए पैसा मांग रही है वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करा दिया है लोगों को, ठीक है। फिलेंथ्रोपिक एंटरप्राइजेस के लिए स्टॉक्स जारी कर दिए हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग से स्टॉक जारी कर दिया, मतलब इनोवेटिव ऑफरिंग्स भी बहुत लेके आया है। जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स भी इसने जारी किए हैं, तो इनोवेशंस के साथ साथ अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। डेरिवेटिव की दुनिया के अंदर भी इसने काफी एक्सपेंशन किया है, इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में। एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज भी कमेंस कर दिया है, जो मतलब पूरे 21 घंटे काम करे, 21 घंटे काम करेगा, मतलब कि किस तरीके से, जैसे आपका इंटरनेशनल एक्सचेंज है ना गिफ्ट सिटी गुजरात का, यूएस में सूर्योदय से, जापान में सूर्योदय से लेके यूएस में सूर्यास्त होने तक वो ट्रेडिंग मार्केट चलती है, इसी तरीके से ये भी 21 घंटे तक जारी रहेगी, चलेगी।
भारत में जैसे सुबह 9:30 से 3:30 बजे तक ट्रेडिंग चलती है, वो सिस्टम नहीं है। 21 घंटे तक ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंटरनेशनल एक्सचेंज काम करेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करते हैं, 1992 में ये बना था। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेबी इन अप्रैल 1993। 1994 से इसने काम करना शुरू किया है। इसके एमडी और सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान और हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में। अगली न्यूज की बात करते हैं। यूनिटी बैंक ने यूनासिया के साथ हाथ मिला के सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया, ठीक है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड जो है, इसने यूनसिया या अनसिया टेक्नोलॉजी, जो भी आप कहना चाहो इसको, ये एक प्राइवेट लिमिटेड टेक्नोलॉजी की कंपनी है, इसके साथ कोलैबोरेशन किया है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के लिए। जो ये अनसिया चेन है, ये क्या है? इट इज अ रिच प्रोडक्ट सूट दैट हाउसेज ऑल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द फिजिकल सप्लाई चेन इंडस्ट्री विच लुक्स अप टू इट्स फाइनेंसिंग नीड। मतलब ये क्या देखता है, जो भी आपकी सप्लाई चेन इंडस्ट्री है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी प्राइवेट लिमिटेड है, सप्लाई चेन वाले काम के अंदर अगर फाइनेंस की जरूरत है तो ये उसको पूरा करता है, ठीक है। द प्लेटफॉर्म यूनाइट्स बायर सेलर लेंडर अंडर वन अम्ब्रेला। ये क्या करता है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर सेलर और आपका जो लेंडर है वो एक ही अम्ब्रेला यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पे तीनों मिल सकते हैं, ठीक है। द प्लेटफॉर्म एक्ट एज अ हाईली कॉन्फिग्रुएबल रैपिड डिप्लॉयमेंट फ्रेमवर्क। बहुत हाईली कॉन्फिग्रुएबल है ये, ठीक है। और 100 डेज से पहले पहले प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च्ड एट यूनिटी बैंक इन लेस देन 100 डेज के पहले पहले ही ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हो गया। ये टेक्नोलॉजी के चेयरमैन कौन है इस प्राइवेट लिमिटेड के? हरि पद्मनाभन। हेडक्वार्टर इसका तमिलनाडु में है। 2020 में ये स्टैब्लिश हुआ है। और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के सीईओ है इंद्रजीत कमोत्रा। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। और ये 2021 में, मतलब दोनों ही काफी नए हैं और काम कर रहे हैं। अगली न्यूज है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने सीट में, सीट क्या है? सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट। मतलब कि सस्टेनेबल एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा लगाने वाली एक कंपनी, ठीक है। इसके अंदर प्रोजेक्ट मेरिडियन शुरू किया है। 486 करोड़ रुपए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने दिए हैं प्रोजेक्ट मेरिडियन चलाने के लिए। सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट मेरिडियन देख लीजिए क्या है। प्रोजेक्ट मेरिडियन है, दिस प्रोजेक्ट एम्स टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ इनविट। इनविट क्या है इसको देखो, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, जहाँ पे आप अपना पैसा ऐसी कंपनीज को दे रहे हो जो कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाती है। कोई बिल्डिंग बना रही है, कहीं पुल बन रहा है, कहीं सड़कें बन रही है, कहीं मॉल बन रहा है, तो ऐसी ऐसी जगह पे, कहीं सोसाइटीज बन रही है, ऐसी कंपनीज को पैसा देना, ऐसी कंपनीज के शेयर या बॉन्ड्स खरीदना जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाते हैं, उसको इनविट्स कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट मेरिडियन है, ये इसी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट्स को ही डेवलप करेगा, सपोर्ट करेगा। पूरी फंडिंग है प्रोजेक्ट की $73 मिलियन। ये एनवायरनमेंट एंड सोशल पॉलिसी, मतलब कि जो भी काम करेंगे एनवायरनमेंटली इको फ्रेंडली होगा, और सोशल काम के लिए ये लोग अभी काम कर रहे हैं। तो ये तो है प्रोजेक्ट मेरिडियन, ठीक है। अब AIIB ने ये पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। SEIT क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। SEIT क्या करता है? सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। सोलर पावर जनरेशन के लिए 1.54 गीगावाट पीक टोटल कैपेसिटी इसने नेशन वाइड यानी पूरे इंडिया के अंदर अभी तक इंक्लूड, मतलब जनरेट कर दी है। 8 सोलर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स इसने चलाए हुए हैं, इसने सीट ने, ठीक है। ये क्या काम करती है? एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी में पैसा लगाने का काम करती है, ठीक है। और इसके साथ AIIB ने पैसा दिया है, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पैसा दिया है 486 करोड़ का, ताकि प्रोजेक्ट मेरिडियन को आगे लेके जाया जा सके। एडिशनल इन्फो की बात करते हैं, जो अब फंडिंग है वो सेकेंड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये इस बैंक की सेकेंड इन्वेस्टमेंट है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 2019 में इंडिया OSE इनविट, मतलब एक और इंफ्रास्ट्रक्चर का ही प्रोजेक्ट था, उसके अंदर सबसे पहले 2019 में एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने निवेश किया था। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करते हैं, इसके प्रेसिडेंट और चेयर ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर है जिन लिक्वन। हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, और 2016 में ये इस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये पूरी हमने न्यूज़ की बात की। अभी बात करते हैं, RBI का इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स आया है,
जिसके अकॉर्डिंग ये कहा है कि थर्ड क्वार्टर की जो ग्रोथ रही है फाइनेंशियल ईयर 24 की वो 7% रहेगी, ऐसा फोरकास्टिंग किया है कि इतने प्रतिशत 7% ग्रोथ भारत की रहेगी। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल आरबीआई का मंथली बुलेटिन आया जनवरी 2024 का, जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स का जिक्र किया गया है और ये कहा भारत का जीडीपी थर्ड क्वार्टर 2023-24 थर्ड क्वार्टर जो है अक्टूबर 23 से दिसंबर 23 7% जो है वो रहा है, ठीक है। दिस इज हायर देन द रियल जीडीपी, जो हमने 6.5% फोरकास्ट किया था उससे भी ज्यादा जीडीपी भारत ने अचीव किया। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स की बात है। इंडिया का इकोनॉमी जो है वो बहुत सारे एक्सटर्नल चैलेंजेस को फेस कर रहा है। 2023-24 में फिस्कल ईयर सो बेटर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ, मतलब कि 23-24 में हमने जितना एक्सपेक्टेशन किया था उससे ज्यादा अच्छी बेटर हम लोगों ने ग्रोथ देखी है। प्राइवेट कंजम्पशंस भी जो है वो बढ़े हैं, जो गोल है अब अपना और ज्यादा बढ़ गया है। अगली न्यूज क्या है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2024 रिपोर्ट, ये ब्रांडिंग की बात करता है, मतलब कौन सी ब्रांड सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है, कौन सी ब्रांड बाय वैल्यू एंड ब्रांड बाय स्ट्रॉन्गेस्ट, कौन सी वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है और कौन सी मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है, इसके नाम से दो इंडेक्स जारी होते हैं। तो भारत की अगर बात करें, ये 18वां एनुअल रिपोर्ट आया है ग्लोबल 500 2020 का ब्रांड फाइनेंस का। ब्रांड फाइनेंस ने ये रिपोर्ट दिया है। इस रिपोर्ट में ये कहा है मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस जियो, ये इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट ब्रांडेड कंपनी, मतलब कि इंडिया की टॉप मोस्ट ब्रांडेड कंपनी है, पूरी दुनिया की 17th नंबर पे, 17वें नंबर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है और भारत की 1st नंबर पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है रिलायंस जियो, ठीक है। ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स में इसने 88.9 ये मार्क्स हासिल किए हैं आउट ऑफ, ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स के अंदर 88.9 मार्क्स आउट ऑफ 100 रिलायंस जियो ने हासिल किए। वीचैट ने 94.3 मार्क्स लेके फर्स्ट रैंक हासिल किया है, ठीक है। फिर यूट्यूब को 92.7 मार्क्स लेके सेकंड रैंक इसको मिला है। गूगल को थर्ड पोजीशन मिली है 92.5 मार्क्स इसके 100 में से आए हैं और 88.9 मार्क्स के साथ इंडिया का रिलायंस जियो 17th नंबर पे रहा है पूरी दुनिया में और भारत में पहले नंबर, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे है। भारत में और भी कंपनीज हैं लाइक LIC है, ठीक है, SBI है, इनको भी रैंकिंग मिला है, 88.3 मार्क्स इनको भी मिले हैं, लेकिन रैंक थोड़ा पीछे है। तो टॉप मोस्ट की बात करें तो टॉप मोस्ट है कौन, टॉप मोस्ट तो रिलायंस जियो है, ठीक है। 2023 में जो रिलायंस जियो की रैंकिंग थी वो 150 थी, पूरी दुनिया में 150 थी, अभी 17th है, बहुत अच्छा ग्रो इन्होंने किया है, ठीक है। ब्रांड फाइनेंस इंडिया में 2023 की रिपोर्ट, इंडिया में 4th नंबर पे था ये, आज इंडिया में पहले नंबर पे, ठीक है। और वैल्यू की बात करें तो 5वें नंबर पे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड था ये 2023 में। अब ये टेबल देख लीजिए, सारी बातें पता लग जाएगी। इंडिया में इंडियन ब्रांड्स की अगर बात करें तो इंडियन ब्रांड्स में सबसे ऊपर है रिलायंस जियो, भारत में 1st नंबर पे है, दुनिया में 17th नंबर। फिर LIC भारत में 2nd नंबर पे है, दुनिया में 23 नंबर पे है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्ल्ड में 24th नंबर पे है। वीचैट वर्ल्ड में 1st नंबर पे है। यूट्यूब 2nd पे है। गूगल 3rd पे है। मरीना बे 4th पे है और वुलियंगे जो है वो 5th पे है, ठीक है। इंडिया की फर्म्स की हमने बात बता दी है। अब टॉप 5 ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, वैल्यू की बात करते हैं, वो स्ट्रेंथ वाइज थी, अब वैल्यू वाइज बात करते हैं। सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो एप्पल की है, जो अमेरिका की कंपनी है, इतनी वैल्यू है इसकी 516.6 यूएस डॉलर, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट 2nd नंबर पे, गूगल 3rd नंबर पे, अमेजन 4th नंबर पे, सैमसंग जो है साउथ कोरिया का, पहले 4 पे अमेरिका है, 4th नंबर पे साउथ कोरिया है, वैल्यू की बात करते हैं। अबाउट ब्रांड फाइनेंस, ब्रांड फाइनेंस क्या है, ये 2007 से ही ब्रांड्स की स्टडी करता है, एनुअल स्टडी करता है कि कौन सी ब्रांड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सी ब्रांड ज्यादा वैल्यूएबल है। ब्रांड फाइनेंस एसेस 5000 मेजर ब्रांड ग्लोबली 5000 मेजर ब्रांड को एसेस करता है हर साल। ब्रांड फाइनेंस ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ब्रांड फाइनेंस के जो सीईओ हैं वो डेविड हैग हैं, हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और 1996 में ये इस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट न्यूज कहता है
IREDA एंड IOB यानी इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक MOU साइन किया है रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में को लैंडिंग। को लैंडिंग का मतलब होता है दोनों मिलके लैंड कर रहे हैं। इंश्योरेंस रेगुलेट इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड और इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ये दोनों मिलके MOU साइन किया है इन्होंने फॉर को लैंडिंग एंड लोन सिंडिकेशन फॉर अ वाइड रेंज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, मतलब कि पूरे इंडिया के अंदर रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए दोनों ने को लैंडिंग किया। ठीक है, जो MOU साइन हुआ वो IRDA का जो बिजनेस सेंटर है नई दिल्ली के अंदर वहां पे साइन हुआ। IRDA कैटेगरी 1 मिनी रत्ना कंपनी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये आता है। मकसद क्या है इनका, इनको मैनेज करना है पार्टनरशिप। इसका एम क्या है कि एक लोन सिंडिकेशन और एक अंडरराइटिंग प्रोसेस के थ्रू हमको ट्रस्ट एंड रिटेंशन अकाउंट मेंटेन करना। ठीक है, 3 से 4 साल के लिए ये काम जो है वो हो रहा है पूरा। सिग्नेटरी कौन कौन है आप यहाँ देख सकते हो। इस पार्टनरशिप की बात करें तो रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट, दोनों मिलके लोन दे रहे हैं रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। ये जो कोलैबोरेशन है इसका मकसद क्या है, 2030 तक नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी 500 गीगावाट तक बढ़ानी। ये कोलैबोरेशन जो है सक्सेसफुल पार्टनरशिप लेके आएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सब मिलके कोलैबोरेशन करेंगे। IRDA के जो CEO हैं वो है प्रदीप कुमार दास, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, मिनी रत्ना वन इसको स्टेटस मिला हुआ है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, 1987 में बना था। इसका मोटो है एनर्जी एवर। ठीक है, एनर्जी फॉर एवर। नेक्स्ट न्यूज क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने BOB 360 टर्म डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च कर दिया है विद हाई इंटरेस्ट रेट। ये क्या है, स्कीम का नाम है BOB 360। इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 7.60 पर एनम ये इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जो सीनियर सिटीजन है उनको 0.50 एक्स्ट्रा मिलेगा सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट रेट। तो ये एक FD की स्कीम है आप मान सकते हो जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च की है। टर्म डिपॉजिट है रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए, 360 दिन यानी कि 1 साल के लिए ये होगी, इसलिए नाम है इसका BOB 360। 1 साल की मेच्योरिटी के लिए, लेस देन 1 साल की मेच्योरिटी के लिए मोस्ट अट्रैक्टिव है। और वैसे भी कोई भी करवा लेगा इसको, उसकी वजह ये है क्योंकि पैसा बहुत कम, मतलब समय बहुत कम, 1 साल तो आता दिखता है। ठीक है, एज पर RBI गाइडलाइंस दिस स्कीम इज नॉट अवेलेबल फॉर नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपोजिट, NRE नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल डिपॉजिट के लिए ये नहीं है, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी डिपॉजिट्स के लिए ये है। ठीक है, तो ये न्यूज थी। इंटरेस्ट रेट कितना है वो मैंने आपको बताया, और सीनियर सिटीजन को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी इसके अंदर मिलेगा। स्कीम में मिनिमम डिपॉजिट आप 1000 रुपये कर सकते हो और फिर 1000 के मल्टीपल आप डाल सकते हो, जैसे 2000, 3000 और ऐसे 2 करोड़ रुपये तक आप डिपॉजिट कर सकते हो 360 दिन के लिए यानी 1 साल के लिए। MD और CEO है इसके देवदत्ता चंद, बैंक ऑफ बड़ौदा के हेडक्वार्टर बड़ोदरा गुजरात में, 20 जुलाई 1908 को फाउंडेशन, टैगलाइन इंडियाज इंटरनेट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है, EBS बैंक इंडिया कोलैबोरेट्स विद स्टार्टअप TN टू फोस्टर एंटरप्रेन्योरशिप इन तमिलनाडु। जो DBS बैंक इंडिया लिमिटेड है इसने स्टार्टअप TN के साथ कोलैबोरेशन किया है तमिलनाडु में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने। ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट इसकी नोडल एजेंसी है, सारा काम तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंडर हो रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें ये जो पार्टनरशिप है ये 1000 से ज़्यादा अर्ली स्टेज स्टार्टअप के साथ मिलेंगे और Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ के अंदर जो रीजनल हब्स या मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे जाके इन स्टार्टअप्स को फंडिंग देंगे, इनोवेशंस बताएंगे, नॉलेज शेयर करेंगे, आप कैसे काम करो ये सारी बातें बताएंगे। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को प्रमोट करना इनका मकसद है। जो आपका स्टार्टअप TN है, जो स्टार्टअप TN है, जो कंपनी है स्टार्टअप TN, इट प्रेजेंटली सपोर्ट 7400 स्टार्टअप। अभी 7400 स्टार्टअप्स को ये प्रमोट कर रहा है DPIIT के अंडर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इट एम्स फॉर 10,000 न्यू स्टार्टअप्स बाय 2026 तक 10,000 मोर न्यू स्टार्टअप्स को ये प्रमोट करेंगे। ठीक है, अगली न्यूज क्या कहता है कि जो गूगल पे है वो NPCI इंटरनेशनल के साथ MOU साइन कर रहा है। ठीक है, ताकि UPI ग्लोबली फैल सके। 17 जनवरी 2024 को एक MOU साइन हुआ
गूगल इंडिया डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के बीच में और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के बीच में, ताकि जो यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस उसको ग्लोबली लेके आया जा सके, ठीक है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसको ला सके, इंडियन ट्रैवलर्स ग्लोबली भी अपनी पेमेंट्स के लिए परेशान ना हो, कहीं पे भी अगर गए हुए हैं इंडियन ट्रैवल तो वो अपनी पेमेंट्स यूपीआई के माध्यम से। ये एमओयू दोनों के बीच में साइन हुआ है। इंडियन ट्रैवलर्स कैन नाउ यूज, इंडियन ट्रैवलर्स जितने भी हैं वो अब यूज कर सकते हैं यूपीआई पावर्ड एप्स लाइक गूगल पे डिजिटल पेमेंट ग्लोबली, ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। अब आपको सिर्फ फॉरेन करेंसी पे रिलाय करने की जरूरत नहीं, इससे इंडियनाइजेशन भी बढ़ेगा, इससे रूपी का ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ेगा, आपको दूसरी करेंसी पे डिपेंड होने की जरूरत, ठीक है। ये वो देश है जहां पे जाके आप पीआई का यूज कर सकते हो इस कोलैबोरेशन के बाद, ठीक है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड क्या है? सीईओ इसके रितेश शुक्ला है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, 2020 में एस्टैब्लिश हुआ। एनपीसीआई अलग है, वो 2008 में, और इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाला है ये एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट, ठीक है। अगली न्यूज क्या कहती है? अगली न्यूज है आईएफएससी गिफ्ट सिटी साइंस एमओयू विद आईजीएक्स जीएसपीसी फॉर ग्लोबल हाइड्रोजन ट्रेडिंग मैकेनिज्म। 17 जनवरी 2024 को ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर, जो गांधीनगर में है, एक एमओयू साइन हुआ इंडियन गैस एक्सचेंज के साथ एंड गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ, जीएसपीसी के साथ, ताकि आप ग्लोबल हाइड्रोजन ट्रेडिंग मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश कर सके। हाइड्रोजन ट्रेडिंग के लिए ये कोलैबोरेशन साइन हुआ है, ठीक है। और ये पूरा एमओयू जो साइन हुआ है वो 10वीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में हो रहा था, यानी कि 10वीं जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हुई है गुजरात के अंदर, वहां पे ये एमओयू साइन किया। किस किस के बीच में हुआ है आप ये देख सकते हो, ठीक है। इसमें होगा क्या, इस कोलैबोरेशन देयर विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबल हाइड्रोजन ट्रेडिंग मैकेनिज्म, पूरे मैकेनिज्म का इंट्रोडक्शन किया गया, प्राइस क्या रखा जाएगा ग्लोबल लेवल पे हाइड्रोजन का, ठीक है। और ये इस तरीके का सेकंड प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। अभी तक जो है वो यूरोपियन एनर्जी एक्सचेंज ने ये काम किया था, दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्राइस इंडेक्स इन्होंने बनाया था, अब इंडिया इस चीज में आगे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, अच्छा इसी के अंदर है, जो गिफ्ट आईएसएससी है, आईएफएससी है, इसका गोल क्या है, ताकि ग्लोबल कॉमोडिटी प्राइसेस को कम कर सके, ठीक है, और कॉमोडिटी ट्रेडिंग्स को, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रेडिंग को बढ़ा सके। इट शुड बी नोटेड दैट गिफ्ट सिटीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज रिकॉग्नाइज्ड एज आईएफएससी इन इंडिया, जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इस काम के लिए उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। इंडियन गैस एक्सचेंज क्या है? इट ऑपरेट्स अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ये पीएनजीआरबी के अंडर रेगुलेट करता है, मतलब ऑपरेट करता है। सीईओ इसके राजेश कुमार मेडीरट्टा है, हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है और 2020 में एस्टैब्लिश हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है आरबीआई अप्रूव्स अपॉइंटमेंट ऑफ प्रवीण अच्युतन कुटी एज एमडी सीईओ डीसीबी बैंक। ये सीधी सी न्यूज है कि इनको, प्रवीण जी को आरबीआई ने अपॉइंट कर दिया है एमडी और सीईओ डीसीबी बैंक का, ठीक है। डीसीबी बैंक का एमडी और सीईओ जो है इन्हें बना दिया गया है 29 अप्रैल 2024, 3 ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम 29 अप्रैल 2024 को अपनी चेयर पे आ जाएंगे आने वाले 3 सालों के, ठीक है। किनको हटा के? मुरली एम नटराजन का कार्यकाल पूरा हुआ है, उनकी जगह पे प्रवीण जी आएंगे। अगली न्यूज क्या है देखते हैं। अगली न्यूज जो है नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में। नीति आयोग की रिपोर्ट आई जिसमें 24.8 करोड़ पुअर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं 9 साल में। बजट में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, जिसको नहीं पता कल मैंने बजट का सेशन लिया था तो कंप्लीट बजट की डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी, पूरा बजट बताया हुआ है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या आंकड़ा रहा है वो भी मैंने आपको बताया। तो नीति आयोग की ये रिपोर्ट है कि 24.8 करोड़ पीपल जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। भारत के अंदर जो पॉवर्टी है काफ़ी कम हो गई, 29.17% से जो 13-14 में थी केवल 11.28% भी रह गई है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो है वो पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं। एट द स्टेट लेवल यूपी लीड्स द लिस्ट विद 5.94 करोड़ पीपल एस्केपिंग पॉवर्टी, मतलब यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा गरीबी कम हुई है, इतने लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। बिहार में इतने लोग गरीबी से बाहर आ गए, एमपी में 2.30 करोड़ गरीबी में से बाहर आ गए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति, चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अभी कौन? नरेंद्र मोदी जी।
तो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, सीईओ है इसके बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है ये, 1 जनवरी 2015 को बना था, ठीक है, और 16 फरवरी 2015 से काम शुरू कर दिया था कैबिनेट सेक्रेटरिएट के नोटिफिकेशन के बाद नीति आयोग ने काम किया है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी, ठीक है। अगली न्यूज क्या कहती है, दी लैब्स एट ISB लॉन्चेस बिल्ड 4 बिलियन जॉइंटली विद RBIH एंड, क्या कहता है जो डी लैब है एट द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB हैदराबाद तेलंगाना के अंदर, इसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है बिल्ड फॉर भारत, इन बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ मिले। तो क्या है ये, इसके अंदर क्या है रीजन बिहाइंड दिस प्रोग्राम, इसमें क्या होगा, इट इज थीम्ड अराउंड फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर द इनफॉर्मल इकोनॉमी बाय एड्रेस द गैप बिटवीन फाइनेंशियल सर्विसेज इनफॉर्मल। अब देखो इनफॉर्मल इकोनॉमी जितनी भी, फॉर्मल इकोनॉमी में सब काम तरीके से होता है, जो इनफॉर्मल वर्क होता है और जो आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज इनफॉर्मल मार्केट में नहीं पहुंच पाती, तो जो गैप है वो गैप पूरा किया जाएगा, उसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए रीजन क्या है, जो गिग वर्कर होते हैं, गिग वर्कर कौन होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं, डोमेस्टिक वर्कर हैं, स्ट्रीट वेंडर, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कंस्ट्रक्शन लेबर, इनके लिए चैलेंज है इनकी इनकम फिक्स नहीं है, बहुत ही लो और वोलाटाइल इनकम, ये रेगुलर इनकम है, ठीक है, क्रेडिट और सेविंग्स बहुत ज़्यादा ये रखते नहीं, सोशल सिक्योरिटी इनके पास है नहीं। तो इन लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन का पता बताने के लिए या किस तरीके से आप फाइनेंशियली स्ट्रोंग हो सकते हो, मदद करने के लिए ये स्कीम आई है जिसका नाम है बिल्ड फॉर, ठीक है। ये व्हाट इज इन द एक्सेलरेटर, ये क्या है, दिस 50-day इक्विटी फ्री एक्सेलरेटर बाय डी लैब ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट। देखो इनको, ये जितने भी लोग मैंने अभी आपको बताए, इन लोगों को मेंटरशिप दी जाएगी, इनको कैपेसिटी बिल्डिंग करवाया जाएगा, रिसोर्सेज के बारे में, नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया जाएगा कि आप किस तरीके से आप अपने पैसे जमा करवा सकते हो, कैसे आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, ये सारी। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, स्टार्टअप होना चाहिए आपका, ठीक है, और इनफॉर्मल वर्ल्ड में आप काम करते हो। RBI हब के बारे में बात करें, होली ओन सब्सिडरी है ये RBI की, ये काम ही इनोवेशन के फील्ड में करती है, RBI जितना भी इनोवेटिव काम करता है वो इसी के माध्यम से करता है। इसके CEO राजेश बंसल, इसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में 2022 में इस्टेब्लिश हुआ था। अगली न्यूज़ है, सेबी ने अलाउ कर दिया है वॉलंटरी फ्रीजिंग ऑफ क्लाइंट्स ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम July 1, 2024 से सेबी ने एक चीज़ अलाउ कर दी है कि आपको अगर लगे कि आपके खाते में, आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है तो आप ऑटोमेटिक उसको फ्रीज कर सकते हो, ये पावर आपके हाथ में आ जाएगी, आप अपने खाते को फ्रीज कर सकते हो अगर आपको किसी भी केस में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी अगर आप डिटेक्ट कर पाते हो, तो 1 जुलाई 2024 से ये काम शुरू हो जाएगा। ये फ्रेमवर्क जो है, इट इज डेवलप्ड बाय ब्रोकर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम, ब्रोकर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम ने ये पूरे फ्रेमवर्क को डेवलप किया है, ठीक है, सेबी से कंसल्ट कर। द फ्रेमवर्क आउटलाइंस द प्रोसेस फॉर वॉलंटरली फ्रीजिंग ऑनलाइन एक्सेस, मतलब कि क्या करोगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट्स को वॉलंटरली अपनी मर्जी से आप फ्रीज कर सकते हो जब भी आपको जरूरी लगे, ठीक है। इसमें क्या है, कभी कभी इन्वेस्टर को सस्पिशियस एक्टिविटी को लेके वो परेशान हो जाते हैं, तो जिसके चलते आप अपने अकाउंट को अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है सबको पता है, जिसके माध्यम से आप ट्रेड करते हो। सेबी जो है, सेबी एक्ट 1992 से एम्पावर हुआ, 1992 में बना और काम करना शुरू किया 30 जनवरी 1992 से। चेयरपर्सन मधाबीपुरी बुच है, पहली विमेन है जो चेयरपर्सन बनी है सेबी की, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। अगली न्यूज क्या है, KBL एंड NBFC क्लिक्स कैपिटल एंटर को लैंडिंग प्लेट पार्टनरशिप फॉर MSME। छोटी सी न्यूज है, क्या कहता है, UBCO.land प्लेटफॉर्म के माध्यम से KBL और NBFC, ठीक है, KBL और NBFC क्लिक्स कैपिटल दोनों कोलैबोरेशन कर रहे हैं, क्लिक्स कैपिटल वाले और KBL कर्नाटका बैंक लिमिटेड वाले माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लैंडिंग कर, दोनों मिलके MSME के फील्ड में लोन देंगे, ठीक है, UBCO.land प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अगली न्यूज है, RBI ने कर्नाटका के हिरियूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर, क्योंकि इसने कंप्लायंसेस फुलफिल नहीं किए थे, ठीक है, क्योंकि इसने इन्वेस्टर्स का, डिपॉजिटर्स का पैसा जो है वो
पूरा नहीं कर रहा था और कंप्लायंसेस जो है एडिक्वेट कैपिटल इनके पास नहीं थे जितना कैपिटल होना चाहिए बैंक बनने के लिए, तो आरबीआई ने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। जितने भी डिपॉजिटर के पैसे इसमें थे उसके पैसे वापस मिलेंगे डीआईसीजीसी एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। क्या होता है, जितना भी अमाउंट बैंक में होता है उसका 5 लाख इंश्योरेंस हो जाता है, 5 लाख तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, धीरे धीरे जब ये लिक्विफाई होता जाएगा बैंक आपके बाकी पैसे भी मिल जाते हैं, तो ये लाइसेंस कैंसिल कर। अगली न्यूज है, आरईसी यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक गेन डिनोमिनेटेड ग्रीन बोट इनोग्रेट किया है टू जेपीवाई 61.1 बिलियन। मतलब कि क्या है ये जेपीवाई, क्या है जापानीज, मतलब येन के अंदर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बॉन्ड जारी किए, ग्रीन बॉन्ड है यानी कि इको फ्रेंडली बॉन्ड। जितना भी पैसा इसके अंदर इकट्ठा होगा वो सब ग्रीन पर्पस के लिए, इको फ्रेंडली पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, जिसकी वैल्यू 10 बिलियन यूएस डॉलर जितनी है, यानी 61.1 बिलियन जापानीज येन उसकी अमाउंट है, और अगर हम यूएस डॉलर में बात करें तो 10 बिलियन उसकी वैल्यू है। ये पहले येन ग्रीन बॉन्ड है जो कोई इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है वो लॉन्च कर रही, पहले ग्रीन बॉन्ड है जो जापानीज येन के अंदर भारत की कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जारी कर रही है, ऐसे पहले ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा, 5 साल का इसमें टेन्योर रहेगा, 5 साल का, 3 टेन्योर में ये बॉन्ड है, एक बॉन्ड है 5 साल के, एक 5.25 साल के, एक 10 साल, इतना इन सब के अंदर फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। इट इज़ द लार्जेस्ट येन डिनोमिनेटेड, इंडिया के तरफ से ये सबसे बड़े येन डिनोमिनेटेड अब तक के बॉन्ड रहे। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या कहता है, आईसीआईसीआई बैंक कैनेडा लॉन्चेस मनी टू इंडिया कैनेडा अ मोबाइल बैंकिंग ऐप। ये क्या है, आईसीआईसीआई बैंक कैनेडा जो एक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की सब्सिडरी है, इसने एक बैंकिंग एप्लीकेशन जारी किया है मनी टू इंडिया, ब्रैकेट में है कैनेडा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये क्या कहता है कि कोई भी इसके अंदर ये जो ऐप है, कस्टमर ऑफ एनी बैंक, किसी भी बैंक का कस्टमर आईसीआईसीआई बैंक कैनेडा के अंदर अपना अकाउंट खोले बिना ही पैसे को ट्रांसफर कर सकता है, चाहे आपका खाता है चाहे नहीं है, आप अपना पैसा आईसीआईसीआई बैंक कैनेडा के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, ये रेमिटेंस मार्केट ऑफ कैनेडा के लिए है, मतलब कि विद दिस लॉन्च आईसीआईसीआई बैंक कैनेडा एंटर्स इनटू द रेमिटेंस मार्केट ऑफ कैनेडा। अब देखो होता क्या है, भारत के बहुत सारे लोग कैनेडा के अंदर है, वहां पे जो भी पैसा आता है वो जो भी कमा रहे हैं वो उस कमाई का एक हिस्सा भारत में भी भेजेंगे, तो आप इस ऐप के माध्यम से, मनी टू इंडिया इस ऐप के माध्यम से कैनेडा के लोग जो है इंडिया में अपना पैसा भेज सकते हैं। ठीक है, चाहे आप आईसीआईसीआई में खाता खुलवाए हो चाहे नहीं, बस यही बात इसमें बताई हुई है। इसमें क्या होगा, ओटीपी के माध्यम से 2 फैक्टर होंगे ऑथेंटिकेशन के। ठीक है, एक आपका ओटीपी होगा और एक आपकी आईडी होगी, बस इसी के माध्यम से आप 30,000 कैनेडियन डॉलर तक भारत में ट्रांसफर कर सकते हो, 30,000 कैनेडियन डॉलर तक भारत में डायरेक्ट पैसा भेज सकते हो, चाहे आपका आईसीआईसीआई में खाता हो चाहे ना हो। आईसीआईसीआई बैंक कैनेडा के सीईओ हैं विकास शर्मा, 2003 दिसंबर में इस्टेब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर टोरंटो कैनेडा के अंदर है। ठीक है, अगली न्यूज क्या है, इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट 6.2% इन फाइनेंशियल ईयर 25 यूबीएस सिक्योरिटी। यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ये कहा है भारत की जो ग्रोथ रेट है 6.2% रही। देखो हर कोई अपनी अपनी फोरकास्टिंग बताता है, आपको आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की और आरबीआई की याद रखनी है, हर किसी की नहीं रखनी, पढ़ लिया करो बस याद नहीं रख। ILO reports increase global unemployment rate to 5.2% in 2024. International Labour Organization ने एक रिपोर्ट जारी किया, World Employment and Social Outlook Trend 2024 के। इसमें क्या कहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2024 में 5.2% रहेगा, 2023 में 5.1% था। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब 2 मिलियन लोग और बेरोजगार होंगे 2024 में अकॉर्डिंग टू ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जॉब रेट भी डिक्रीज होगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होगा, ये कहा है। इसका रीजन क्या है, रिपोर्ट फॉर डिक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इसके अंदर लेस प्रोडक्टिव सेक्टर के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ILO ने कहा है जो सेक्टर लेस प्रोडक्टिव है के अंदर पैसा ज्यादा लगाया जा रहा है,
शॉर्टेज है स्किल की, स्किल बहुत कम है, ठीक है। लार्ज डिजिटल मोनोपोलीज हो गया है, कुछ ही कंपनीज हैं जो डेवलप कर रही है, सभी कंपनीज डेवलप नहीं कर पा रही है। लो प्रोडक्टिविटी फर्म्स की डोमिनेंस जो है वो ज्यादा हो गई है, ये रीजंस बताए हैं, ठीक है, ये रीजंस बताए हैं। आईएलओ के डायरेक्टर हैं गिलबर्ट फोजुन होंगबो और हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, 1919 में इस्टेब्लिश हुआ, इसके मेंबर नेशन 187 है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, SBI ने MORD यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ एक MOU साइन किया है, लोन क्रेडिट फैसिलिटी टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ को लोन देने के लिए SBI ने और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक MOU साइन किया, ठीक है। इसमें स्पेशल फाइनेंशियल प्रोडक्ट मिलेंगे लाइक स्वयं सिद्धा। SBI ने स्वयं सिद्धा लॉन्च किया है जिसके अंदर विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, एक्सक्लूसिवली विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा मिलेगा। ट्रेनिंग टूल किट पैकेज वॉज लॉन्च टू एनकरेज सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन एंटरप्रेन्योर टू गेट एक्सेस टू फॉर्मल फाइनेंस असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ लोन। क्या कहता है ये, इसमें ट्रेनिंग टूल किट भी मिलेगा, अगर वो कोई काम कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो उनको ट्रेनिंग की टूल किट भी पूरी मिलेगी, ठीक है। ये जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो वर्ल्ड बैंक के अंडर आता है IFC, उन्होंने मिलकर और नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, इन दोनों ने मिलकर ये काम किया है। SBI के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, एस्टैब्लिश हुआ ये 1950। अगली न्यूज है, SBI ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट FD स्कीम जो है सपोर्ट ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम। SBI ने ग्रीन रूपी FD जो है वो लॉन्च की है ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, 3 डिस्टिंक्ट टेनोर्स के, 1 दिन, 111 दिन, 1,777 दिन, 2,222 दिन, ऐसे 3 FD जो है वो, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो है वो 10 बेसिस पॉइंट लोअर होगा, 10 बेसिस पॉइंट मतलब बल्क डिपॉजिट जितना कर रहे हो, जितने ज़्यादा समय के लिए आप पैसा डाल रहे हो उसी हिसाब से आपको लोन मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स को कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल रेट्स भी मिल जाएंगे और जितना भी पैसा इसके अंदर जाएगा, जितना भी पैसा इन FD में होगा वो सारा ग्रीन पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। अगली न्यूज़ क्या कहता है, कहता है जो PFC है, PFC बोले तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, वो RBI से अप्रूवल ले चुका है होली ओन्ड फाइनेंस कंपनी गुजरात में बनाने की। मतलब ये एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए, गुजरात के अंदर एक कंप्लीट सब्सिडरी फाइनेंस कंपनी मतलब ये अपनी बना सकते हैं, लोन के अंदर फाइनेंस देना, फाइनेंस लेना, ये सारे काम अब PFC कर पाए, ठीक है। अगली न्यूज क्या है, ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज लिमिटेड टू इंक्लूड इंडियाज फार बोन्ड इंटू इट्स EM इंडेक्स फ्रॉम सेप्टेम्बर 2022। देखो जो ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विस लिमिटेड, इसने ये कहा है हम इंडिया की इमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी इंडेक्स जो आप लोगों का इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, हम उसको अपने रूट बोन्ड के अंदर, मतलब फुली एक्सेसिबल रूट बोन्ड के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग इंडेक्स क्या है, ये एक फॉरन इन्वेस्टर्स का इंडेक्स है, ठीक है, ये एक फॉरेन इंडेक्स है। इसके अंदर भारत के जो फार बॉन्ड है यानी फुली एक्सेसिबल रूट बॉन्ड्स हैं उसको जगह मिल रही है सेप्टेम्बर 2024 से, ठीक है। हम धीरे 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 20-20% बॉन्ड्स इसके अंदर ऐड करते रहेंगे और फाइनली 100% पे पहुंच जाएंगे फेज्ड मैनर में, हर मतलब धीरे धीरे करके 20% 20% 20% से 5 बार करके अपने बॉन्ड्स जो है वो यहाँ पे प्लेस कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इंडिया के फार बॉन्ड्स जो है फॉरेन इन्वेस्टर भी बाय कर सकेंगे, मतलब फॉरेन मार्केट में हम अपने बॉन्ड्स जो है वो प्लेस करवा रहे हैं। कौन से इंडेक्स में, ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अंदर हम अपने इंडेक्स भी जो है वो प्लेस करवा रहे हैं वहां पे, ताकि फॉरेनर्स भी हमारे पैसे, हमारे फंड्स में पैसा लगा सके। सेबी ने अपनी वेरीफाई मार्केट र्यूमर्स के लिए डेडलाइन एक्सटेंड कर दी। देखो 25 जनवरी 2024 को जो है 25 जनवरी, इसमें न्यूज़ क्या है स्टूडेंट्स, ये है कि जो र्यूमर्स फैल जाते हैं किसी भी कंपनी के लिए, तो सेबी ने क्या कर दिया था कि भाई आप अपनी अपनी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराओ, तो एक डेडलाइन दे दी थी कि इस दिन तक, किस दिन तक, 1 फरवरी 2024 तक आपको ये सारी जानकारी हमें दे। लेकिन अब क्योंकि ये टॉप 100 कंपनीज हैं जिनके बारे में र्यूमर्स फैलते रहते हैं, तो इन्वेस्टर्स को जब र्यूमर्स का पता लगता है तो कोई भी इन्वेस्ट करने से थोड़ा हिचकिचाता है, तो सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन र्यूमर्स को वेरीफाई करे, क्लैरिफाई करे कि हकीकत क्या है। तो डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड कर दी है 31 दिसंबर 2024 तक, के आने वाले कुछ 31 दिसंबर 2024 तक आप अपना सारा वेरिफिकेशन करवा लें, ये सेबी ने डेडलाइन एक्सटेंड कर दी।
है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पूरे मंथ के अब करंट अफेयर्स जो है, फाइनेंस अफेयर्स जो हैं, वो मिल गए हैं और आप लोग अपने एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी मदद ले पाओगे इससे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट अफेयर्स के साथ, वीकली फाइनेंस अफेयर्स के साथ मंडे को। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।